सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आ चुके हैं करबी चौक। तो करबी चौक में जो है, मैंने इसके पहले भी आपको जो है यहाँ का जो है मैंने वीडियो आपको शेयर किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो इसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो आज जो है हम करबी चौक का जो फ्लाईओवर है उसको पूरा एक्सप्लोर करने वाले हैं और इसके जो है आपको सारे अपडेट्स देने वाले हैं। इसके पहले के वीडियो अगर आप देख लेंगे तो यहाँ पर जो है आपको काफ़ी सारे जो है चेंजेस यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो वही आज की वीडियो में आपको शेयर करने वाला हूँ, क्या कुछ आगे काम हुआ है और क्या कुछ काम बचा हुआ है, तो वो सब मैं आपको आज की वीडियो में देखने को मिलने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को फटाफट से स्टार्ट। तो दोस्तों, ये जो आप रोड देख रहे हो ये जाता है मोमिनपुरा की तरफ, और इस साइड में देख रहे हो ये रोड जाता है, जो लेफ्ट हैंड साइड में जो रोड है वो जाता है गट्टी गोदाम की तरफ, और राइट हैंड जो रोड है वो जाता है 10 नंबर पुलिया की तरफ। तो अगर आप थोड़ा सा आगे आएंगे तो यहाँ पर जो है आपको एक फ्लाईओवर देखने को मिलेगा जिसको जो कि करबी चौक से जो स्टार्ट होने वाला है। तो आइए देखते हैं काफ़ी कहाँ तक जो है ये फ्लाईओवर लैंड होने वाला है, दो जगह ये लैंड होने वाला है, तो वही आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं अभी आगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ से जो है फ्लाईओवर स्टार्ट होने वाला है, और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से जो है, अगर आपने मेरा इसके पहले का अगर वीडियो देखा होगा तो यहाँ पर जो है काफ़ी कम वीडियो मतलब काफ़ी कम जो है काम हुआ था। लेकिन अभी जो है हम 4-5 महीने या फिर 7 महीने बाद जो है हम यहाँ पर आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे जो है पिल्लर यहाँ पर लाइन से जो है खड़े हो चुके हैं, और काफ़ी तेज़ी से जो है काम यहाँ पर चालू हो चुका है, मतलब काम चल रहा है। लेकिन ये जो फ्लावर है काफ़ी ज़्यादा लंबा और चौड़ा ये जो फ्लावर बनने जा रहा है यहाँ पर, तो इसलिए जो है इस फ्लावर को बनने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है समय लगने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ का जो है व्यू जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं कितना काफ़ी ऊंचाई तक के जो है ये फ्लाईओवर जाने वाला है। पिल्लर के जरिए जो है आपको देखने को मिल रहा होगा, देख सकते हैं पिल्लर आपको देखने को मिलने वाले हैं, और काफ़ी चौड़ा जो है फ्लाईओवर होने वाला है। शायद से यहाँ से जो है दो फ्लाईओवर, टू लेन फ्लाईओवर शायद से हो सकता है यहाँ पर। और देख सकते हैं रोड जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ख़राब हो चुके हैं, ऐसा रोड है जहाँ पर काफ़ी ऐसा जो है ट्रैफिक होता है, तो उसी में जो है यहाँ पर फ्लावर वगैरह बनाया जा रहा है। आगे निकल ये तो कुछ भी नहीं आएगा, आएंगे राजा। सो दोस्तों, ये जो मोतीबाग का ओवर ब्रिज है ये दो जगह इसकी एंडिंग होने वाली है। करबी चौक से स्टार्ट होकर ये होगा कोलीबाग चौक की तरफ इसकी एंडिंग, और दूसरी जो होंगी संतरा मार्केट की तरफ उसकी एंडिंग। तो दोस्तों, जैसे कि आपने पीछे का काम देख ही लिया होगा, उसके बाद जो है पिल्लर का जो काम है उसके बाद जो यहाँ से जो है पिल्लर का जो है काम यहाँ पर चालू हो जाता है। देख सकते हैं कितने जो है बड़े बड़े पिल्लर यहाँ पर बन चुके हैं, और काफ़ी हाइट में जो है फ्लाईओवर होने वाला है। लाइन से जो है यहाँ पे जो है पिल्लर जो है खड़े हो चुके हैं। इसके पहले अगर आपने वीडियो देखा होगा तो यहाँ का भी जो काम है मतलब पिल्लर जो बनने के बाकी थे, लेकिन अभी जो है पूरे पिल्लर जो है अभी खड़े हो चुके हैं। पुल हुआ करता था ना, नाला हाँ, यहाँ पे नाला हुआ करता था जो कि तोड़ दिया गया है। और देख सकते हैं काफ़ी लंबा जो है फ्लाईओवर यहाँ का होने वाला है। अभी देखते हैं कहाँ तक ये जो है यहाँ पे काम हुआ है, और कहाँ तक जो है ये फ्लाईओवर जाने वाला है, और कितने कितने जगह जो है ये लैंडिंग होने वाली है इस फ्लाईओवर की। तो ये ऐसा एरिया है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ती है ट्रैफिक की वजह से, और ट्रैफिक भी जो है काफ़ी ज़्यादा होता है ना। देख सकते हैं यहाँ तक जो है पिल्लर खड़े हो चुके हैं, और यहाँ पर सर दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर रेलवे ब्रिज के जस्ट सामने में जो है पिल्लर का जो है काम अभी चालू है, और इसी ब्रिज के ऊपर से जो है रेलवे ब्रिज के ऊपर से जो है ये फ्लाईओवर जो है ओवर ब्रिज जो है जाने वाला है। तो देख सकते हैं यहाँ पे पिल्लर का अभी काम चालू है, बेस बनाना चालू है अभी यहाँ पर। इसी रेलवे ओवर ब्रिज के कारण यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है ट्रैफिक जमा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी छोटी सी जगह है यहाँ से जाने के लिए, यहाँ से सिर्फ एक या दो ही जो है टू व्हीलर जो है गाड़ी जा सकती है। अगर कार वगैरह यहाँ पे जाती है तो कभी कभी अटक जाती है, तो इसी की वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जमा हो जाता है इस छोटी सी जगह की वजह से। इसलिए जो है यहाँ पर ओवरब्रिज जो है बनाया जा रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लंबा जो है और चौड़ा जो है ये ओवरब्रिज होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे राइट हैंड साइड में भी यहाँ पर पिल्लर का जो है काम चालू है।
इस रेलवे ओवर ब्रिज के ऊपर से जो है फ्लाईओवर आने वाला है, और पीछे साइड में जो है गोलीबार चौक की तरफ एक फ्लाईओवर जाने वाला है, और दूसरा जाने वाला है संतरा मार्केट की तरफ। इस साइड का जो है काम अभी चालू है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस साइड में जो है इस फ्लाईओवर का जो है एंड होने वाला है, यहाँ पर फ्लाईओवर की लैंडिंग होने वाली है। काफ़ी बड़ा जो है रोड तो बनाया गया है, लेकिन रोड जो है काफ़ी ज़्यादा उबड़ खाबड़ है, इसके वजह से जो है ज़्यादा लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है गाड़ियाँ खराब होती है। यहाँ पर जो है इस फ्लाईओवर की लैंडिंग होने वाली है। हो गया ना, वही लास्ट वाला है। तो दोस्तों इस फ्लावर का जो है मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन और सारे अपडेट जो है मैंने आपको दे दिया है, पूरी जांच पड़ताल कर लिया है अपने, और सारी जो है इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो में दे दिया है। आपको आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।